हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग गर्मियों के मौसम के लिए खीरे का शरबत। अब हम खीरा छीलकर काट लेंगे और छीलने से पहले हम पीछे वाला भाग इसका काटेंगे इस तरीके से और इसे घिस लेंगे। इस तरीके से घिस लेने से व्हाइट व्हाइट जो निकल जाता है उससे इसका कड़वापन निकल जाएगा। अब इसे हम काट लेंगे, काट कर हटा देंगे और पीछे वाला पार्ट भी इतना सा हटा देंगे और इसे हम छील लेंगे। खीरा हम छील लिए हैं और यदि खीरा का छिलका एकदम सॉफ्ट है तो आप बिना छिलका हटाए भी पीस सकते हैं। अब इस तरीके से हम इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे, बहुत छोटा नहीं करना है, बस रफली काट लेंगे। खीरे को हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे, हाफ इंच अदरक छोटा छोटा टुकड़ा में कटा हुआ, दो चम्मच चीनी, चीनी की जगह पे आप शुगर फ्री भी ले सकते हैं, हाफ टी स्पून सादा नमक, हाफ टी स्पून काला नमक, दो चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, इससे शरबत में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे पीस लेंगे। खीरा हम पीस लिए हैं और खीरा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे, एक गिलास से कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसे छान लेंगे। यहीं पे मिक्सी जार में थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे और अच्छी तरह से धोकर इसे हम यहाँ पे डाल देंगे। इसे इस तरीके से दबा दबा कर हम सारा जूस निकाल लेंगे। शरबत हम छान लिए हैं, अब इसे सर्व करेंगे। दो आइस क्यूब डाल लेंगे। अब हम इसमें शरबत डाल लेंगे। इसे खीरे के टुकड़े से सजा लेंगे। शरबत हमारा तैयार है।